का नमस्कार। साथियों, जेंट्सों के साथ साथ लेडीजों की भी थोड़ी कम है, इसलिए खुशी के साथ साथ अफसोस भी है। मैं चाहती हूँ कि जितने जेंट्स हैं ना, उससे ज्यादा अगर हमारी महिलाएं अगर इस मीटिंग में होना तो शायद मजा कुछ और ही होगा। अभी हम अकेली महिलाएं हैं जिनको बुलाया जाता है स्टेज पे आने में, कम से कम लोगों को ये वेट करना पड़ेगा हमारा भी नंबर आएगा कि नहीं। कम से कम इतनी डायमंड महिला हो तो शायद सीधे का जो है सबसे बड़ा खुशी का दिन मेरी लाइफ का वो होगा। तो बहुत सारी महिला हमारे साथ स्टेज पर आएंगी। मैं ये पूछना चाहूंगी सभी लोग जो आज हमारे साथ यहाँ हैं, कैसा फील हो रहा है उन्हें यहाँ आने पर? इससे पहले इस होटल में कितने लोग हैं जो घूमने के लिए स्पेशली यहाँ आए? कोई नहीं है। चलो ये भी बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम हमारे सीजे ने हमारे वो सपने पूरे किए जिनको हम कभी कभी देखते हैं और लोगों को बता भी नहीं पाते, क्योंकि हमारी कुछ बहुत सारे महिलाएं हैं या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हम इस काबिल नहीं है और हम किसी को बताए ना कि हमारा सपना ये है कि हम ट्रेन में बैठे हैं, विदेशों में घूमे, इंजॉय करें, तो सामने वाला हंसेगा, अरे यार इस लाइफ को रेडी और ऐसी बातें कर रहा है। तो अपने सपनों को ना, सपने तो कोई भी देख सकता है, लेकिन सपनों को बताने में भी कभी कभी लोगों को जरूरत आती है कि कोई हमारे सपनों में हंसे ना। लेकिन सीजे में आने के बाद वो सारे सपने मुमकिन हो जाते हैं जो लोग सपनों में देखते हैं, उन सपनों को हकीकत में भी पूरा किया जा सकता है जो हमने किए और सभी महिला करेंगे। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी चीज होती है ना, दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो लोग होते हैं जो काम करते हैं और एक वो लोग होते हैं जो काम कराते हैं। आज हमारे साथ इस महफिल में यहाँ इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं वो सारे लोग हैं जिन्होंने काम कराना सीखा है। काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो सच मानिए आप कभी भी उनसे पूछना कि क्या हाल चाल है तो सबसे पहले वो ये पूछेंगे कि बस कट रही है, क्योंकि काम करने वाला आदमी इच्छाओं की तो बात छोड़िए, जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता। और काम कराने वाले लोग जो होते हैं ना, वो अपनी तो बात छोड़िए, अपनी परिवार, अपने फैमिली, अपने परिवार की दर पीढ़ी के लिए भी अपनी वो खुशियां, अपने और अपने परिवार को वो सारी खुशियां दे सकता है जो वो चाहता है। ये मुमकिन है या नहीं है सर? आज तक जो दुनिया में इतिहास रचा है ना, यहाँ पढ़े लिखे लोग माने नहीं रखते। मैं अपनी एक कमजोरी को अपना हथियार समझती हूँ, शायद मेरी एजुकेशन सबसे ही कम है और मुझे इस बात को कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि मेरी एजुकेशन ज्यादा नहीं है। लेकिन मैंने ये देखा कि एजुकेशन मायने नहीं रखती, आदमी का जो हौसला होता ना, आदमी की जो दृढ़ संकल्प होता है, जो इच्छा होती है ना, अगर आदमी के दिल से कोई चीज दिल में उतर जाए ना, तो वो दुनिया की वो हर चीज पा सकता है जिसे वो चाहता है। अगर दिल से उतर जाए तो वो कुछ भी नहीं पा सकता, सिर्फ सपने की तरह ही सपना बन के रह जाता है। इतिहास हमेशा उन लोगों ने ही रचा है, जितने भी लोगों का हम एग्जाम्पल देते हैं दुनिया में, जितने भी लोग हैं जिनका एग्जाम्पल देते हैं, चाहे वो फिल्मी दुनिया में हो या किसी भी दुनिया में हो, इतिहास सिर्फ उन लोगों ने ही रचा है जिन्होंने काम करवाया है, ना कि किया है। काम कराने वाले लोग जो होते हैं ना, वो अपने लिए नहीं, ये सीधे परिवार है ना, ये ऐसा पहला परिवार देखा मैंने। बहुत सारी कंपनियों ने लोग आज तो खैर हिम्मत ही नहीं होती, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, आज तो हिम्मत ही नहीं होती है कि ऐसे ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो तो नाम सुन के एक बार 8 दिन पहले मेरे यहाँ हर्बल कंपनी का एक लीडर आए अलीगढ़ से और मुझसे मिलने के लिए आए प्लान देने के लिए, और मेरे ऑफिस में ना इतनी भीड़ थी 10 मिनट वो अपने जिम को साथ लाए ना, तो वो बैठे वो खड़े रहे, देखते रहे, मुझे नहीं पता था कौन है कैसे आए। उन्होंने मुझसे चाय के लिए बोला था क्योंकि मैं चाय वाली मैडम के नाम से फेमस हूँ, तो बोले मैडम एक कप चाय पीनी है मैं आपके साथ। मैंने कहा वो शुक्रगम मना तो किसी से करते ही नहीं है, क्योंकि हर किसी से हमको सीखने को मिलेगा, मुझे नहीं पता था। लेकिन उस बंदे की इतनी हिम्मत नहीं हुई मेरे को देख के, मेरे लोगों की भीड़ देख के, कि मुझसे ये बता सके कि मिस मैं किस कंपनी से हूँ, क्यों आया हूँ। और वापस चला गया, 3 दिन बाद उसका फोन आया कि मैंने जो सोचा था, मैं तो आपको अपना प्लान दिखाने के लिए आया था, लेकिन मैंने आपके लोग देखे
देखे, आपके लोगों का उत्साह देखा, आपकी भीड़ देखी आते यहाँ, तो मुझे लगा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ मैं आपसे बात कर सकता हूँ। साथियों, आपकी जो सोच है ना, आदमी की सारी लाइफ, यहाँ जितनी भी महिला बैठी हैं, मैं चाहूंगी उन महिलाओं के लिए एक जबरदस्त तालियां बजाएं। आज जो महिलाएं यहाँ आई है ना, उनने कुछ तो थोड़ा संघर्ष किया ही होगा, स्टार्टिंग की है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, जो आज यहाँ उस सपने को स्टार्ट करके और यहाँ पहली मंजिल उन्होंने पहला कदम यहाँ रखा है। और हमारा दृश्य सिर्फ इंडिया ही नहीं है, इंडिया की ट्रिप तो है हमारे, हमें तो ऐसा लगता है जैसे हम कहीं मीटिंग देने जा रहे हो, क्योंकि हम इतनी ट्रिप कर चुके हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं मीटिंग देने के लिए जा रहे हो। अगर साथियों जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग अगर हमारे साथ विदेश में होना, जितनी महिला है, ये सारी महिला अगर हमारे साथ विदेश होंगी ना, तो उसका और भी ज्यादा इंजॉय होगा, जो इंडिया से भी ज्यादा फॉरन में मजा आता है ना, तो वो इंडिया में तो घूमते ही रहती है। यहाँ तो हर महीने की ट्रिप है, सीजन में ट्रिप तो ऐसे देती है जैसे कि चाय का चंदो लगा हुआ टाइम और चंदो घूमने के लिए हर महीने। साथियों बिजनेस जो है ना, ये बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बिजनेस कैसे किया जाए, ये बिजनेस ऐसा नहीं है। मैं ज्यादातर उन महिलाओं से रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि महिलाओं को अक्सर क्या होता है, उनकी पहचान शादी से पहले जो पहचान होती है ना, वो एक माँ बाप के द्वारा होती है। शादी के बाद जो पहचान होती है ना, वो एक परिवार और पति के द्वारा होती है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ अगर महिलाओं को अगर अपनी पहचान बनानी है, कि उनकी आज मेरा फ्रेंड भी आए हुए हैं इस ट्रिप में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, मेरे को शायद सभी लोग जानते होंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड को सब लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन वो महिलाएं अपनी वो पहचान बनाएं कि जिन महिलाओं को उनके हस्बैंड को उनके महिलाओं के नाम से जाना जाए। कहते हैं ना, पैर की मोच और छोटी सोच आदमी को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, और आदमी की लाइफ में ना सबसे बड़ी चीज अहमियत जो रखती है उसको ऊपर उसको प्रोग्रेस करने में, उसकी सिर्फ उसका सोच मायने रखती है। अगर आप एक सोच को बदल दो तो ब्रांड सोच के बदल दो, ब्रांड बदल दो तो लाइफ अपने आप ही बदल जाती है। ये बिजनेस दिमाग से करने का नहीं है साथियों, यहाँ ऐसा कुछ भी इसमें मुझे लगता है इस बिजनेस में ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर आपको बस चार शब्द ऐसे होने चाहिए, कहते हैं ना कि एक बार सर बोल रहे थे, कोई सर ने बोला था कि पैर में चक्कर और मुंह में शक्कर, शक्कर का मतलब व्यवहार, व्यवहार ही व्यापार है। अगर आपके पास हो, वैसे भी महिलाओं में अपनापन अपना बनाने की तो जेंट्सों से ज्यादा वो भी होती है, कि अगर अजनबी महिला भी पास में बैठ जाए तो 5 मिनट वो उनकी दोस्त बन जाती है। तो मैं बस सिर्फ आपको व्यवहार ही व्यवहार है, आपको इतना अच्छा बस चार शब्द आपको ऐसा बोलना आना चाहिए, तो वो अगर आप चार शब्द बोलना सीख गए ना, तो आपको डायमंड की तो बात छोड़िए, क्राउन होने से भी कोई नहीं। ये बिजनेस सपनों का नहीं है, अपने बारे में तो बिल्कुल भी सोचना ही नहीं है, कि जैसे कहते हैं कृष्ण भगवान ने गीता साहब में लिखा है कि तुम अपनों के बारे में सोच के तो देख मैं तेरे भंडार न भर दूं तो कहना। तो आप सिर्फ अपनों के बारे में सोचिए कि मुझे कम से कम ऐसी अगली ट्रिप में 5, हर महिला अगर आज यहाँ ये सोच के जाए, मुझे अपनी ट्रिप में अपनी फ्रेंड नियर एंड डियर 5 से 10 फ्रेंडों को यहाँ लेके आना है, तो अगली बार डायमंड की बात थोड़ी, उनको क्राउन होने से 2022 में कोई क्राउन होने से नहीं होगा। सिर्फ सोच लीजिए, अगर उस सोच को अगर आपने दिल में उतार लिया ना, तो कोई भी काम मुमकिन नहीं है। अगर आप दिल में ये संकल्प कर लें, आपके अंदर एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए करने का। जब मैंने ज्वाइन किया था, सिर्फ मात्र एक बिजनेस है ना साथियों, सिर्फ 90 दिन का बिजनेस है, कि मात्र 90 दिन दिल और दिमाग और विश्वास के साथ, मैं ईमानदारी से कहती हूँ, मेरी बात को आप रिकॉर्ड कर लीजिए, 90 दिन सिर्फ आप इस बिजनेस को दिल और दिमाग से दे दीजिए, तो अगर आपकी सारी इच्छाएं पूरी ना हो तो वो उतना मुझसे आके मिले, मैं अगर उसकी जहां भी जितनी हो सकेगी उसकी हेल्प करूंगी। आपके इनकम आने में और आपके कैरियर बनने में 90 दिन में सीनियर को भी ये पता चल जाता है, वो पता चल जाना चाहिए कि बंदा कितनी उड़ान भर सकता है, वो क्या ये अपने सपनों को पूरा कर सकता है, क्योंकि 30 दिन मात्र समझने के लिए कि जिसको हम प्रोडक्ट को अच्छी तरह समझ सके, और 30 दिन समझाने के लिए, और 60 दिन के बाद इस बिजनेस की अर्निंग चालू होने के लिए। हालांकि हमारे यहाँ तो सारी महिलाएं हैं जो भी है ना, सब शुरू से ही डॉक्टर बन जाते हैं, और सब डॉक्टर हैं, तो उनकी अर्निंग
ज्वाइन करते ही दूसरे दिन अर्निंग चालू होने लगती है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये है कि यहाँ मात्र 90 दिन अगर आपको वाकई हमारा हमारे जिंदगी का ना सबसे बड़ा हमारा सहपाठी और सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई दूसरा नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी काम नहीं कर पाते हैं, कंपनी को ब्लेम लगाते हैं, प्रोडक्ट को ब्लेम लगाते हैं, सीनियर को ब्लेम लगाते हैं, लेकिन कभी अपने बारे में नहीं सोचते कि इस फेल और पास होने के हकदार हमें कोई दूसरा नहीं। जिस आदमी को अपने ऊपर भरोसा नहीं है वो दूसरे पे क्या भरोसा करेगा। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है ना तो 133 करोड़ की आबादी है, टू नहीं तो और सही। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे लोगों में अक्सर लोगों स्टार्टिंग में क्या करते हैं, उन्हें 10 लोगों से मिले और 5 से 10 लोगों ऊपर वाला भी अगर मंदिर में जाते हैं ना तो पहले भगवान भी ऐसा नहीं है कि एक बार में हमारी सारी मुरादों को पूरा कर दे, कम गए और एक लोटा जल चढ़ाया है और भगवान हमारी इच्छा को पूरा कर दो। भगवान भी पहले ये देखते हैं इसको, इस भक्त को मेरे प्रति कितना विश्वास है, जो आज मेरे मंदिर में मेरे लिए पूजा करने आया है इसको कितना विश्वास है। तो अक्सर देखा होगा कि स्टार्टिंग में अगर हम विश्वास करते हैं ना भगवान का, वो भी हमारी परीक्षा लेता है। ये तो विशेष अगर आप स्टार्टिंग में 10 लोगों से भी मिले और 10 लोग भी अगर आपको साथ आपको नहीं दे पाए ना तो आपको लगता है कि ये बेकार है। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है, अगर जिन लोगों को अपने ऊपर विश्वास है ना, अगर अपने ऊपर ये विश्वास है कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ तो उसको कोई कम नहीं है। 10 नहीं तो 11 दिन सही 11 नहीं तो 12 सही। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो कोई नहीं कर सकता। सबसे बड़ी चीज होती है कि हमारे अपने हमारे जो प्रेरणा रीजन है सबसे बड़ा हमारा अपना विश्वास ना होना कि हमें अपने विश्वास ही नहीं है। जिंदगी हमारी है और हमारी जिंदगी की दो दूसरे के हाथ में। हम यहाँ से गए और जो सिलो चलते हैं ना उनकी जो मजबूत होते हैं नीचे से, वो का एक प्लेन होता है ना, प्लेन भी अगर जब आसमान में उड़ता है ना तो हमें स्पीड ऑफ गति चलता है। जब वो ग्राउंड में घूम रहा था तो वो सिलो घूम रहा था और जैसे उसने उड़ान भरी ना तो लगा लोगों को हम प्लेन में बैठे हैं। तो जब धीरे धीरे अगर हम लाइफ स्टार्ट कर देना इसको तो स्टार्टिंग में ज्यादातर जो हमारी परीक्षा की घड़ी होती है ना वो मात्र 30 दिन होती है। वो 30 दिन में हम लोगों से मिलते हैं। हमारे ज्यादातर लोग ना टांग किसकी खींची जाती है, हमेशा ऊपर जाने के वाले की। अगर आप स्टार्टिंग में 10 लोगों को मिलोगे तो उसमें 8 लोग आपको निगेटिव करने वाले मिलेंगे। जो ज्ञानचंद होते हैं, जैसे हमारे सर कहते हैं ना ज्ञानचंदों की कमी नहीं है दुनिया में, तो ज्ञानचंद ज्यादा मिल जाते हैं जो कि हम तो डूबेंगे सर हम तुम्हें भी ले डूबेंगे, हम नहीं कर रहे तो तुम क्यों आगे बढ़ रहे हो। तो वो ज्यादातर ज्ञान देने वाले होते हैं। साथियों यहाँ बिजनेस जो है ना ये बिजनेस सिर्फ आपके अपनों का बिजनेस है और सिर्फ दिल का बिजनेस है, दिमाग का नहीं है। आप जिन लोगों से जुड़े हैं ना उनसे सिर्फ दिल से जुड़े हैं। आप उनको प्रोडक्ट यूज करा दें, प्रोडक्ट यूज करने का किसी को भी पहली बार आप प्लान ना दें। अभी मैं 4-5 दिन पहले ही एक हमारे मैनेजर थे शाहरा के, वो मैं प्लान देने गई तो मैं काफी टेंशन से आराम थी। तो जो मैनेजर के साथ गई ना तो उनकी नजर में तो मैं एक वर्कर थे, तो उन्हें ऐसा लग रहा था अरे मैडम सर अगर आपके दीक्षित जी होते तो बात ही अलग होती है। मैंने साहब मुझे इतना हल्के से क्यों ले रहे हो, आपको लगता है कि मैं महिला हूँ या हमने यहाँ कवर किया है तो आपको ऐसा लगता है यार चलिए तो सही। सर जब हम आगरा पहुंचे मैंने कहा सर बढ़िया अच्छे से रेस्टोरेंट में उनके साथ मीटिंग करूंगी मैं, छोटे मोटे जगह नहीं करूंगी कि कहीं ढाबे पर नहीं बैठेंगे हम। जब हमने वहाँ मीटिंग की 10 मिनट मैंने उनको पहले सुना, फिर 10 मिनट उन्हें सुनाया तो बोले मैम मैंने को तो नाम सुन के या ऐसा लगा लेकिन जैसा आपको देखने में लगा और जब आपको बोला ना आपने तो आपके 4 शब्दों ने मुझे इतना प्रभावित कर दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि आप टूर से वापस कब आ रहे हैं, मुझे स्टॉक पॉइंट बुलाइए, ये बात सुनिए तो साथ ही बताइए अगर आपके पास आपके पास सब 4 शब्द ऐसे होने चाहिए पहली बार में ना कंपनी का सामने वाले को पता क्या है,